अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मछली मार रहे हो? क्या नाम है? हाँ, निखिल कुमार। निखिल कुमार, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? क्यों? घर से धो ले लेता हूं। राजा नाम है? राजा कुमार। पढ़ाई करते हो? कौन से क्लास में हो? तीसवीं। एलसी में। एलसी। तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? हिंदी में। हिंदी में। तुम कौन से में पढ़ते हो? कोई नहीं पढ़ता, इसका मतलब यूकेजी में। यूकेजी में। एक बोलता है, सब बोलते हैं यूकेजी में। कौन से स्कूल में जाते हो? स्कूल का क्या नाम है? केवीएस पब्लिक स्कूल। केवीएस पब्लिक स्कूल। कहाँ है केवीएस पब्लिक स्कूल? हंडेर। तो सब जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते। तो फिर अभी मछली क्यों पकड़ रहे हो? छुट्टी है। आज छुट्टी है, दशहरा का छुट्टी है इसलिए। अच्छा, तो मछली पकड़ोगे? कब जाओगे यहाँ से? तो तुम्हारे मम्मी पापा खोज नहीं रहे तुमको? कहाँ पे? जेल में। जेल में है? तुम्हारे पापा? मम्मी। किस लिए? किस लिए? पापा का नाम है। मुझको पापा का नाम आया, तब पापा को भगा दिया था, तो मम्मी को पकड़ लिया था। पापा का नाम आया तो पापा को भगा दिया तो मम्मी को पकड़ लिया। अभी मम्मी जेल में है तुम्हारी। कितना उम्र है? कितना साल तुम्हारा उम्र है? किस लिए जेल में? जेल में किस लिए है? नाम देवल था। किस चीज में नाम देवल था? किस चीज में नाम दिया हुआ? पापा के। किस चीज में? क्या क्या किए थे? कुछ नहीं, नाम दे दिया था, रात तक के आया था। लड़ाई झगड़ा हुआ था गांव में? तो नाम दे दिया। तो तुमको कौन खाना कौन खिलाता है? खाना दीदी खाना खिलाती है। और पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? कितने भाई बहन हो? खाली भाई हो, तीन को। तीन भाई? बहुआ। तीन से कम कौन है? तीन से कम कौन है जिसका तीन से कम भाई बहन है? बताओ, भाई बहन मिला के तीन से कम किसके पास है? राजा। तुम्हारा कितना है? कितने भाई बहन है? चार भाई तीन बहन। चार भाई तीन बहन, ठीक। तुम्हारे? और खाना कब खाओगे? अभी बज गया है दो। कितने बजे आए थे तुम सुबह? सुबह 8 बजे। सुबह क्या क्या खा के आए थे तुम? क्या खा के आए थे? दाल बासी, दाल भात भुंजिया। दाल भात भुंजिया, बासी रोटी और तरकारी आलू का। आलू का सब्जी, ठीक है। मछली रोटी। मछली रोटी। ये मछली पकड़ोगे तो इसका क्या होगा? तरकारी। और इसमें तुमको शरीर में खुजली नहीं हो रहा है? दिक्कत नहीं हो रहा है दिन भर? है तो काहे के लिए इसमें नहा रहे हो? मछली पकड़ने के लिए हो? इसे क्या, कितना मछली निकलेगा इसमें? एक एक पकड़। हाँ, इसमें डाबर में। राशन वासन कैसे मिलता है आप लोग को गाँव में? तीन महीने के बाद राशन मिलता है? कौन चुरा लेता है? मिलता है इसको, राशन देता है। है? राशन देता है ना? हाँ। मिलता है ना राशन? 20 किलो मिलता था, 10 किलो देता है। पहले 20 मिलता था, अब 10 मिलता है। हाँ। कितने दिन पे मिलता है? तीन महीना पे। एरिया कौन सा है तुम्हारा? चिपुरा कला। चिपुरा कला। दोस्तों अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैं खड़ा हूँ चिपुरा कला में, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि ये गरीब बच्चे जिनको खाने तक का नहीं दे रही है, जो सरकारें दे रही है, बीच का लूट कैसे हो रहा है? ये छोटे छोटे बच्चे, ये मुझे लगता है भगवान के रूप में झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ये सत्य बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 20 किलो मिलता था, अभी 10 किलो मिलता है। कितने दिन पर मिलता है? तीन महीने पे। ये किसी को सिखा के नहीं आए, मैं इस रोड से गुजर रहा था, इनका मछली पकड़ना, इनका पानी में कूदना देख के मैं इनसे पूछने लगा क्या क्या समस्या है। स्कूल कौन सा है तुम्हारा? तुम पढ़ने नहीं जाते? कितना साल उम्र है? 10 साल। इस बच्चे का उम्र है, ये पढ़ता नहीं है। सोच लीजिए, ये भविष्य है हमारे देश के। तुम पढ़ने जाते हो? तुम पढ़ने जाते हो? तुम लोग और कोई पढ़ने जाता है? जाते हो तो पढ़ाई करो, इससे क्या मिलेगा तुमको? एक मछली पकड़े हो पूरे दिन में, मछली का खाना खाओगे? आज छुट्टी है इसीलिए इसको पका के खाओगे? खरीद के नहीं खाते हो? पैसा नहीं है? क्यों नहीं है? गरीब है। गरीब है? कौन बोला तुम गरीब हो? कौन बताया कि गरीब हो? पैसा नहीं है, घर पे पैसे नहीं है। नहीं है? कौन बोला कि पैसा नहीं है? मम्मी बोला है। पैसा सिंगारते हैं केकरो सामान में। इनके जो ये बोल रहे हैं इसमें सब, मुझे लगता है कि लगभग सारी चीजें सही बात बोल रहे हैं। माँ ने बोला हुआ पैसा नहीं है, तभी नहीं तो सुबह से भूखे प्यासे कोई बासी रोटी खा के आया, कोई चावल खा के आया, पूरे दिन मछली पकड़ रहे हैं। ये बच्चा इतना बड़ा है, 10 साल का, पढ़ता नहीं है। बताइए आज की डेट में सरकार का जो क्या बोलो आ जाए अभी इसके लिए। ये है हमारे मानव अधिकार,
जिसको देखिए, ये हम लोग का अधिकार है जो कि हम, जो सरकार ने हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये है वो। और देखिए इस बच्चे की हालत, इतना बड़ा ये पढ़ता नहीं है, सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी खड़ा हूँ मैं, जगह क्या नाम है आपके गांव का? चिपूरा कला में खड़ा हूँ। सरपंच मुखिया को समझना चाहिए कि तीन तीन महीने में उनको राशन मिल रहा है, 10 किलो मिल रहा है, शोषण उतना कीजिए जितना चल जाए। आटे में नमक बराबर मिलावट करिए, इतना मत करिए कि नमक कोई आटा बोलने लग जाए। चलिए गाइस चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।